नमस्ते दोस्तों, आज हम खड़े हैं इंडियन मिनी ट्रक का सामने जिसका नाम है टाटा SEV। 2023 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ है और सिर्फ इलेक्ट्रिक में आता है, एक ही वेरिएंट है और ये फर्स्ट जनरेशन मॉडल आप लोग देख रहे हैं। इसका ऑन रोड प्राइसिंग 11 लाख प्लस हो जाएगा। एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए दोस्तों मैं आज जो नंबर दे रहा हूँ डिस्प्ले में, दोस्तों ये टाटा शोरूम मालबाजार का नंबर है, यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी का एग्जैक्ट प्राइसिंग या फिर आप लोगों का घर का पास में नियरेस्ट टाटा शोरूम में जाकर इस गाड़ी का एग्जैक्ट प्राइसिंग पता कर सकते हैं। टाटा एस इंडिया में करीब 30 लाख यूनिट अब तक बिक चुका है और ये बहुत ही सक्सेसफुल SUV है। इसको प्यार से दोस्तों छोटा हाथी भी कहते हैं। टाटा SEV को छोड़ के टाटा टाटा एस पेट्रोल, टाटा एस डीजल और टाटा एस CNG को भी बेचता है मार्केट में। बैटरी के ऊपर कंपनी 5 साल का वारंटी भी प्रोवाइड करता है। फुल चार्ज में 154 किलोमीटर चलेगी ये गाड़ी और फास्ट चार्जिंग का भी सुविधा कंपनी प्रोवाइड करता है टाटा SEV में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस गाड़ी का ऑन रोड एग्जैक्ट प्राइसिंग वो भी मेरे पास है। इस गाड़ी का दोस्तों जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वारंटी सब कुछ दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों पहले हम लोग जान लेते हैं कौन से शोरूम में मैं आया हूँ। सिटी मालबाजार, डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी और वेस्ट बंगाल में दोस्तों ये शोरूम पड़ता है। इस शोरूम का जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं डिस्प्ले में दे रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ भी टाटा का प्रोडक्ट खरीदना है या फिर कुछ इंक्वायरी करना है तो इन नंबर पर फोन करके वहाँ पर आप लोग बात कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को टाटा एस से लेकर टाटा इंट्रा तक का ये जो लेजेंडरी जर्नी है इसका बारे में अगर आप लोगों को जानना है और देखना है तो मेरे इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक करा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो ये आ जाता है इस गाड़ी का की मेरे हाथों में और ये इस गाड़ी का फ्रंट व्यू, टाटा एस HT+ जैसा लुक इस गाड़ी में मिल जाता है। और ये इसका सामने EV का बैजिंग, साथ ही कॉरेस्पॉन्डिंग लेटरल साइड में एस का बैजिंग, कंपनी मेड एरोडायनामिक बॉडी का साथ ये गाड़ी आ जाता है। सामने बड़ा सा विंडस्क्रीन मिल जाता है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। सामने दो वाइपर मिल जाता है, वॉशर का फैसिलिटी मिल जाता है, बीच में प्लास्टिक का ग्रिल मिल जा रहा है, टाटा का बैजिंग है इसमें और वही दोस्तों क्लासिक टाटा एस HT+ का जो हेडलैम्प सेटअप है वो मिल जा रहा है। इसमें दोस्तों आप लोगों को हेडलैम्प सेटअप का साथ इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिल जाता है। हाई बीम और लो बीम दोस्तों इसी एक ही बल्ब में दिया जा रहा है इंटीग्रेटेड। पायलट लैम्प भी आ जाता है हेडलाइट में। इस गाड़ी का दोस्तों जो बम्पर है वो प्लास्टिक में आ जाता है, साथ ही फॉग लैम्प लगाने का जो जगह है वो दिया जा रहा है। नीचे भी दोस्तों हनीकॉम मेश में ग्रिल जो है उसको एक्सटेंड किया गया है बढ़िया एयर इंटेक के लिए। काफ़ी फैमिलियर और बढ़िया लुक सामने से मिल जाता है। ऊपर में दोस्तों विंड कटर यानी एरोडायनामिक जो डिज़ाइन है वो आ जाता है। दो वाइपर पैनानोमिक विंडस्क्रीन मिल जाता है। हाई स्ट्रेंथ स्टील एंटी रस्ट मेटल से दोस्तों इसका जो डाला है यानी लोड बॉडी उसको बनाया गया है टाटा कंपनी द्वारा। काफ़ी वाइड ओपनिंग दरवाज़ा मिल जाता है, काफ़ी अच्छा विंडो एरिया। और ये रहा दोस्तों इस गाड़ी का टायर और जो व्हील साइज आ रहा है वो 13 इंची का व्हील इस गाड़ी में मिल जाता है। और जो टायर का प्रोफाइल कंपनी द्वारा मिलता है वो 155R13 LT8PR का टायर सेटअप मिल जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया 13 इंची का टायर आ जाता है इस गाड़ी में। अंदर का कैबिन का व्यू, फेंडर में इंडिकेटर, और ये इसका ऑक्सिलरी बैटरी जिससे दोस्तों इस गाड़ी का लाइट्स और जितने भी एक्चुएटर स्विच है वो काम करता है। और ये रहा इस गाड़ी का दोस्तों चैसिस, काफ़ी थिक चैसिस मिल जाता है, करीब 5 mm का जो चैसिस है वो मिल जा रहा है। और ये रहा दोस्तों इस गाड़ी का चार्जिंग सॉकेट जिसमें कि दोस्तों आप लोगों को AC चार्जिंग जो है वो मिल जाता है, साथ ही फास्ट DC चार्जिंग भी मिल जाता है। घर में दोस्तों इस गाड़ी को AC चार्जिंग में करीब आप लोगों को 6 घंटा लग जाएगा फुल चार्ज होने में। साथ ही जो फास्ट चार्जिंग इस गाड़ी में आ रहा है वो करीब दोस्तों इस गाड़ी को 105 मिनट में इस गाड़ी को फुल चार्ज कर सकता है DC फास्ट चार्जिंग में। इस गाड़ी का चार्जिंग सॉकेट को प्रोटेक्ट किया गया है वाटरप्रूफिंग का साथ। इसमें एक बॉक्स के अंदर मिल जाता है इसका चार्जिंग यूनिट जहाँ पर दोस्तों गैस्केट के द्वारा वाटरप्रूफिंग किया गया है। ऑक्सिलरी बैटरी गाड़ी के इक्विपमेंट्स के लिए, पीछे भी दोस्तों वही सेम साइज का टायर मिल जाता है जो पहले वाला टायर था वैसे ही। लैडर टाइप बोल्टेड एंड रिवेटेड चेसिस मिल जाता है, काफी हेवी सस्पेंशन आ जाता है गाड़ी के हिसाब से, 700 kg पेलोड इस गाड़ी में आ जाता है। और ये रहा दोस्तों इस गाड़ी का अंडर कैरेज व्यू, पीछे में दोस्तों रियर एक्सेल डिफरेंशियल प्रोपेलर शाफ्ट और सामने में दोस्तों वही सिंगल स्पीड का जो गियर बॉक्स है वो आ जाता है। और ये जो ऑरेंज केबल देख रहे हैं ये है बैटरी का केबल और साथ ही दोस्तों ये बैटरी जो है ऊपर में माउंट किया गया चैसिस का ठीक ऊपर में। और ऊपर में आप लोग देख ही पा रहे होंगे ब्लैक बॉक्स में जो है वो है इसका बैटरी सेटअप। और ये दोस्तों इस गाड़ी का कार्गो बॉक्स जो कि दोस्तों फुल्ली मेटल का बना हुआ है जहां पर दोस्तों आप लोगों को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और रस्ट फ्री का कोटिंग मिल जाता है। बैक से इस गाड़ी का व्यू, पीछे में दोस्तों हैलोजन में इसका जो टेल लैंप है वो दिया गया है। अंडर कैरेज दोस्तों इस गाड़ी का स्पेयर व्हील दिया जा रहा है। और ये दोस्तों इस गाड़ी का कार्गो बॉक्स, अंदर से इसका जो कार्गो बॉक्स है वो काफ़ी सपाट और प्लेन मिल जाता है।
तो माल उतारने में और उठाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इस गाड़ी का दोस्तों बैकलाइट जो है वो हैलोजन में आ जा रहा है, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर आ जा रहा है, बैकलाइट भी वहाँ पर आ रहा है। पीछे में दोस्तों जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो मिल जा रहा है, क्योंकि ये BS6 जो है उसको फुलफिल कर रहा है, तो रिवर्स पार्किंग सेंसर तो मैंडेटरी है। और ये इसका रिवर्स गियर का लाइट, नीचे में इसका जो स्पेयर व्हील है वो सेम साइज में दिया जा रहा है, इसमें कोई स्पेस सेवर जैसा आइडिया नहीं लगाया गया है। जो कमानी पट्टा का सेटअप है वो काफ़ी मजबूत कमानी पट्टा का सेटअप है, करीब आप लोगों को 7 कमानी पट्टा मिल जाता है, जो काफ़ी हेवी रहता है इस गाड़ी के लिए। और वो दोस्तों इस गाड़ी का हार्ट यानी जान, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो ब्लैक कलर का बॉक्स में आ रहा है वो दोस्तों इस गाड़ी का बैटरी। इस गाड़ी में लिथियम आयन आयरन फॉस्फेट LFP बैटरी मिल जाता है, जिसका कैपेसिटी दोस्तों 21.3 किलोवाट का रहता है, तो शानदार बैटरी मिल जा रहा है इस गाड़ी में, कैपेसिटी भी अच्छा खासा है। और ये रहा दोस्तों इस गाड़ी का लोड बॉडी, जो कि दोस्तों फुल्ली मेटल से बिल्ड किया गया है, स्टेनलेस स्टील एंटी रस्ट कोटिंग का साथ। कार्गो बॉडी का ऊपर में हाई माउंट टेल लैंप मिल रहा है। ऑफिशियल पेलोड जो इस गाड़ी का रहता है वो रहता है 600 kg का, फुल्ली रिविटेड और वाटरप्रूफिंग का साथ इसका डाला मिल जाता है। अंदर में लाइट, इसका कंटेनर क्रॉस मेंबर का साथ काफी मजबूत बनाया गया है, रबर गैस्केट वाटरप्रूफिंग के लिए, तो वाटरप्रूफिंग भी जबरदस्त किया गया है कंटेनर का अंदर। लॉकिंग अनलॉकिंग के लिए जो लीवर दिया गया है वो भी दोस्तों काफी इजीली यूज किया जा सकता है, इसका जो लॉकिंग हैंडल है वो लीवर टाइप में दिया गया है। आइए दोस्तों अब हम लोग इस गाड़ी का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसका बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इस गाड़ी में बैटरी आ रहा है वो आ रहा है लिथियम आयन आयरन फॉस्फेट यानी LFP बैटरी, जिसका कैपेसिटी रहता है 21.3 किलोवाट आवर का, और जो मैक्सिमम पावर रहता है इस गाड़ी का वो रहता है 27 किलोवाट का, और जो मैक्सिमम टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस कर सकता है वो रहता है 130 न्यूटन मीटर का। इसका जो पावर और जो टॉर्क फिगर इस गाड़ी को जो ग्रेडेबिलिटी दे रहा है वो दे रहा है 22% का, तो एक ईवी होने का कारण और सिटी पर्पज के लिए 22% का जो ग्रेडेबिलिटी है वो काफी अच्छा है, काफी सफिशियंट है, सिटी पर्पज के लिए बहुत ही अच्छा है। जो क्लच और ट्रांसमिशन आ रहा है इस गाड़ी में उसका बात करते हैं। ये दोस्तों क्लच फ्री रियर व्हील ड्राइव जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा इसका ट्रांसमिशन। यहाँ पर दोस्तों जो मोटर है वो एक सिंगल स्पीड गियरबॉक्स का थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट का थ्रू जो रियर एक्सल है उसमें पावर भेजता है, तो क्योंकि ये एक सिंगल स्पीड है तो इसका एफिशिएंसी जो है वो काफी अच्छा रहता है। अब दोस्तों जो गियरबॉक्स आ रहा है वही जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, सिंगल स्पीड जो गियरबॉक्स है वो आ रहा है, तो सिंगल स्पीड होने के कारण जो एफिशिएंसी है वो अच्छा रहता है, मतलब जितना पावर इंजन प्रोड्यूस करता है या फिर दोस्तों जो मोटर प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्टली रियर व्हील में आ जा रहा है। जो स्टीयरिंग व्हील आ रहा है इस गाड़ी में वो दोस्तों मैकेनिकल वेरिएबल रेशियो वाला स्टीयरिंग व्हील मिल जा रहा है। जो मैक्सिमम स्पीड ये गाड़ी अचीव कर सकता है वो दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर का जो मैक्सिमम स्पीड है ये गाड़ी अचीव कर सकता है, हालांकि ये दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड स्पीड है क्योंकि इसको दोस्तों जो ECU द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है इतना स्पीड में। जो ब्रेक्स आ जा रहा है इस गाड़ी में वो डुअल सर्किट हाइड्रोलिक ब्रेक आ रहा है, सामने दोस्तों डिस्क और पीछे में ड्रम का सेटअप मिलता है। और जो व्हील आ रहा है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया 115/R13 LT8PR का जो टायर है वो आप लोगों को मिल रहा है। अब हम लोग इस गाड़ी का जो ओवरऑल डायमेंशन है उसका बात करते हैं। दोस्तों जो इस गाड़ी का ओवरऑल लेंथ रहता है वो रहता है 3800 mm का, जो विथ रहता है वो रहता है 1500 mm का, और जो हाइट रहता है दोस्तों वो रहता है 2635 mm का। जो व्हीलबेस आ जाता है वो रहता है दोस्तों 2100 mm का, और जो ग्राउंड क्लियरेंस रहता है वो रहता है 160 mm का। अब जो दोस्तों इस गाड़ी का GVW और पेलोड है उसका बात करते हैं, वो दोस्तों कमर्शियल व्हीकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है उसका बात करते हैं। जो GVW आता है इस गाड़ी का वो रहता है 1840 kg का, और जो पेलोड आ जाता है वो रहता है दोस्तों 600 kg का, यानी दोस्तों ये गाड़ी आप लोगों को 600 kg से आराम से उठा सकता है, और ओवरलोडिंग तो इंडिया में चलता है। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहता है या फिर दोस्तों जो बैटरी का जो कैपेसिटी रहता है हम लोग कह सकते हैं वो दोस्तों 21.3 किलोवाट का रहता है। जो ग्रेडेबिलिटी आता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 22% का, काफ़ी अच्छा है। जो सीटिंग कैपेसिटी है इस गाड़ी में वो ड्राइवर प्लस वन का ऑफिशियली रहता है, जो RTO अप्रूव वो वन ड्राइवर प्लस वन का रहता है। इस गाड़ी में जो वारंटी कंपनी प्रोवाइड करता है दोस्तों वो 6 ईयर्स या फिर दोस्तों 1,60,000 किलोमीटर का जो वारंटी है वो कंपनी प्रोवाइड करता है इस गाड़ी में। आइए दोस्तों अब हम लोग इस गाड़ी का अंदर चलते हैं और देख लेते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। जैसे कि आप लोगों को पहले मैंने बताया टाटा HT+ जैसा दोस्तों इस गाड़ी का जो फीचर्स और जो मॉडल है दिखने में वो सेम जैसा ही लग रहा है, तो इसका जो विंडो है या फिर दरवाजा है वो सेम HT+ जैसा ही है। इसका जो दोस्तों मैनुअल विंडो कंट्रोल्स और दोस्तों जो प्लास्टिक का क्वालिटी वो सेम दोस्तों आप लोगों ने HT+ में जैसे दिखा है वैसे ही आप लोगों को मिलता है।
हालांकि इसका जो दो ओपनिंग है वो मुझे थोड़ा सा वाइड लग रहा है कम्पेयर टू एसटी प्लस। इसमें कोई भी क्लच का पैडल नहीं मिलता है क्योंकि ये दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट ट्रांसमिशन के साथ आ रहा है। और ये रहा दोस्तों इस गाड़ी का इंटीरियर। इसमें दोस्तों आप लोगों को जो फैब्रिक में अपहोल्स्टरी वो मिल जा रहा है और जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफी मजबूत मिलता है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक इस गाड़ी में मिलता है। कोई भी सॉफ्ट टच जो है मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया कैबिन के अंदर। और ये रहा टाटा का टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील इंटीग्रेटेड विद हॉर्न स्विच। ये दोस्तों मैकेनिकल वेरिएबल रेशियो वाला आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील मिल जा रहा है। और ये रहा दोस्तों इस गाड़ी का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें ये दोस्तों ट्रिप माइलेज यानी रेंज और जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर यानी दोस्तों रिवर्स गियर, ड्राइव मोड और न्यूट्रल मोड सब कुछ दिखाएगा। साथ ही दोस्तों इसका एक वेरिएंट आता है जो कि दोस्तों कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। और ये जो दोस्तों नॉब देख रहे हैं ये इसका गियर शिफ्टर है, यानी इसमें दोस्तों आप लोग शिफ्ट करके ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स गियर को सिलेक्ट कर पाएंगे। ये दोस्तों इल्यूमिनेशन के साथ आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है हालांकि ये देखने में। सेंटर माउंटेड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मिलता है। इसमें दोस्तों आप लोगों को 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, लॉकेबल ग्लव बॉक्स, काफी सारा दोस्तों स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, एसी का वेंट, दरवाजों में दोस्तों हैंडल पकड़ने के लिए हैंडल, ऊपर में दोस्तों आप लोगों को लाइट मिल जा रहा है। पूरी गाड़ी में दोस्तों लाइलोन का जो है फैब्रिक वो दिया गया है, कोई भी एक्सपोज मेटल नहीं है। ये रहा इस गाड़ी का ओवरव्यू। हालांकि इसमें कोई भी डे और नाइट का जो एडजस्टमेंट है वो नहीं दिया गया है। सनवाइजर मिल जाता है दोस्तों, ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड दोनों तरफ सनवाइजर मिलता है, हालांकि मिरर नहीं मिल रहा है। ऊपर में दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया लाइलोन का दोस्तों पूरा आप लोगों को मिल जा रहा है लाइनिंग। इसमें कोई भी एक्सपोज मेटल नहीं मिलता है। इसमें दोस्तों स्पीकर लगाने का जगह है डैशबोर्ड में। जो एक्चुएटर्स और जो स्विच है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का दिया गया है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को टाटा एस एसटी प्लस में मिलता है उससे थोड़ा हल्का अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है। और ये इसका टाटा का न्यू थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो मैकेनिकल वेरिएबल रेशियो के साथ आ रहा है। और ये इस गाड़ी का पेडल, एक्सीलेटर और दोस्तों इस गाड़ी में ब्रेक्स मिल जाता है। क्लच तो नहीं आ रहा है क्योंकि ये सिंगल पीस या फिर ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है उसके साथ आ रहा है। पीछे में विंडो दिया जा रहा है। सेंट्रल कंसोल जो है दोस्तों उसमें आप लोगों को फैब्रिक टाइप का मेटल मिलता है, वो हालांकि सॉफ्ट टच मिल जा रहा है। काफी बड़ा सा विंडो एरिया मिल जा रहा है। जो विंडस्क्रीन है वो भी दोस्तों पैनोरामिक मिलता है। जो विजिबिलिटी है इस गाड़ी का वो काफी अच्छा रहता है। ट्रेडिशनल स्टाइल में जो हैंड ब्रेक है वो मिल रहा है। और जो सीट्स है वो दोस्तों फैब्रिक में मिल रहा है, हालांकि इसमें कोई गर्म होने का बात नहीं है, अच्छा क्वालिटी का फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है। अगर आप लोगों को ये गाड़ी अच्छा लगा है दोस्तों और अगर आप लोग जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते हैं तो दोस्तों मैं जो शोरूम में आया हूँ माल बाजार में, इस शोरूम का जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं डिस्प्ले में दे रहा हूँ दोस्तों। वहाँ पर आप लोग फोन करके इस गाड़ी को आप लोग बुक भी कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं या फिर खरीद भी सकते हैं। तो जरूर से इन नंबर में फोन कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर मुझसे अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो कॉमेंट में जरूर से लिखिएगा दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा उससे रिप्लाई देने का। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरे नोटिफिकेशन उसको मैंने मेल रख लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो में डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोग वीडियो को जल्दी से देख पाए। ये जो अशोक लेलैंड वरदोस का जितने भी गाड़ी है दोस्तों वो कंपटीशन से पीछा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसका बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो मेरी इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक करा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी का रेंज और प्राइसिंग को लेके। तो जहां तक बात है इस गाड़ी का रेंज को लेके, तो दोस्तों कंपनी क्लेम करता है दोस्तों ये गाड़ी 150 किलोमीटर तक चला जाएगा फुल चार्ज में। हालांकि ये बहुत ही आइडियल कंडीशन में, लेकिन आप लोग दोस्तों पकड़ के चलिए 120 किलोमीटर दोस्तों जो 700-800 केजी का लोड लेके ये गाड़ी आराम से चल सकता है। और जो चार्जिंग का बात है वो दोस्तों हम लोग का घर में जो करंट आता है 220 वोल्ट का, उसमें दोस्तों इस गाड़ी को 6 घंटा लग जाएगा फुल चार्ज होने में, 6-7 घंटा। और जो फास्ट चार्जिंग डीसी आता है दोस्तों उसमें ये गाड़ी दोस्तों 105 मिनट में फुल चार्ज हो सकता है, ये कंपनी क्लेम्ड है। अब दोस्तों इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है उसका हम बात करते हैं। तो आज के डेट में माल बाजार में दोस्तों इस गाड़ी का जो प्राइस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 11,46,305 रुपीज़ का। यानी दोस्तों ऑन रोड माल बाजार में इस गाड़ी का जो आज का डेट में प्राइसिंग है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर दोस्तों आप लोग जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते हैं और इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जो नंबर मैं डिस्प्ले में दे रहा हूँ दोस्तों माल बाजार शोरूम का, वहाँ पर दोस्तों आप लोग फोन करके इस गाड़ी का करंट प्राइसिंग आप लोग पता कर सकते हैं, या फिर जो नियरेस्ट टाटा शोरूम होगा आप लोगों का सिटी में वहाँ पर जाके इस गाड़ी का प्राइसिंग पता कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो इतना तक देखने के लिए। तो मिलते हैं कुछ वीडियो में कोई और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।